नीरव जैसे ही संभलने लगती है तो उसके माँ बाप उसे कहते हैं कि अब तुम घर से बाहर निकलो और बेटा अपनी नई जिंदगी शुरू करो, दोबारा से अपनी स्टडीज को कंप्लीट करो और अपना लॉ मुकम्मल करो। वकास साहब कहते हैं कि अब तुम अपनी मर्जी से वकील बन सकती हो, मैं उनसे सारे रिश्ते नाते खत्म कर आया हूँ, अब तुम जो चाहो कर सकती हो। मीरब को बहुत ज़्यादा समझाने के बाद जब मीरब घर से बाहर निकलती है तो उसे उसके दोस्त रास्ते में मिल जाते हैं। वो रोहेल और सबा को मिलकर कहती है कि मैं अपनी स्टडीज दोबारा से शुरू करने वाली हूँ। रोहेल कहता है मीरब मेरे साथ आओ, मैंने तुमसे कुछ बात करनी है। सबा और रोहेल मीरब को अपने साथ ले जाते हैं, लेकिन इसी दौरान मुर्तसिम मीरब को उनके साथ जाते हुए देख लेता है। मीरब रोहेल और सबा के साथ जब जाती है तो वहाँ पर वो कुछ ऐसी बातें करती है कि जिससे उन्हें अंदाज़ा हो जाता है कि मीरब मुर्तसिम से मोहब्बत करने लगी है, क्योंकि मीरब मुर्तसिम की गैर मौजूदगी में काफी खोई खोई सी है और बहुत बेचैन सी है। साथ ही मीरब के अल्फाज भी उन्हें ये एहसास दिला देते हैं कि वो मुर्तसिम से मोहब्बत करने लगी है। रोहेल कहता है नहीं, मीरब मुर्तसिम से मोहब्बत नहीं कर सकती। मीरब की सोच काफी मुख्तलिफ है, लेकिन सबा कहती है नहीं मीरब, तुम्हें मुर्तसिम से मोहब्बत हो चुकी है, तुम्हें उसके पास लौट जाना चाहिए। मीरब जब घर वापिस आती है तो वहाँ वो मुर्तसिम को पाती है। मुर्तसिम को देखकर वो हैरान रह जाती है। मुर्तसिम कहता है मैं यहाँ पर तुम्हें लेने आया था, लेकिन जब मैंने देखा कि तुम तो अब भी अपने माजी में जिंदा हो और तुम दोबारा रोहेल से मिलने गई हो तो मुझे बहुत अफसोस हुआ। मीरब कहती है मुर्तसिम तुम मुझे कुछ कहने का मौका तो दो। मुर्तसिम कहता है अब कुछ कहने को बचा ही नहीं, वो वहाँ से चला जाता है। ड्रामे के अगले एक साथ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।